एक आरोप आप पर ये भी लगता है आचार्य जी, आप तो धर्म गुरु हैं, बाबा हैं, कल की पीठाधीश्वर की सेवा में लगे हैं, क्यों आप चुनाव भी लड़ते हैं फिर राजनीति भी करते हैं? बाबाओं का राजनीति में आना सही है क्या? बाबाओं को एक गठरी में बांध के समंदर में फेंक दो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बाबाओं से? पत्रकार राजनीति करे चलेगा, डॉक्टर राजनीति करे चलेगा, वकील राजनीति करे, संसद में जाए राज्यसभा में जाए चलेंगे, हैं? डाकू, चोर, उचक्के, लुटेरे, स्मगलर, ये लोकसभा में चले जाएं, राज्यसभा में चले जाएं, चलेगा, हैं? पत्रकार चलेंगे, बिजनेसमैन चलेंगे, सुनो सब चलेंगे, नहीं बाबा नहीं चलेंगे। और सुनो, ये देश अब बदल रहा है, बाबा चीफ मिनिस्टर, और ये भी हो सकता है एक दिन कोई बाबा देश का प्रधानमंत्री बने। बाबा तो अपना जीवन समर्पित करता है। क्या आप इशारा कर रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और कोई तो बाबा दिखता नहीं मुझे अभी पीएम बनने लायक, या जो उस रेस में भी शामिल हो। देखो कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इस बार चुनाव लड़ेंगे आचार्य जी? 24 का चुनाव आ गया, ये तो पार्टी का फैसला, पर आपकी इच्छा क्या है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी इच्छा तो राजनाथ सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की थोड़ी थी, लेकिन आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब मुझे कहा तो उन्होंने जो कहा मैं चला गया। और मैंने ये कहा था उनसे कि आप मुझे शहीद होने के लिए भेज रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वहाँ शहादत होगी, पर पार्टी का सम्मान बढ़ा, लगभग 2 लाख वोट मिले, लखनऊ की जनता का आभार, और शत्रुघ्न सिन्हा बताइए अपनी पत्नी के प्रचार के लिए पहुंच गए थे वहां पर। ऐसे ऐसे लोगों ने तो पार्टी डुबोई है। अब शत्रुघ्न कांग्रेस में थे ना उस समय, शत्रुघ्न अब शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ है? टीएमसी में। उस दिन आचार्य प्रमोद कृष्णम की मुखालफत कर रहे थे ना, अखिलेश यादव जी और मायावती जी के ट्रक पे बैठे खड़े थे ना, सुनिए उनकी पत्नी उनकी कैंडिडेट थी। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के कैंडिडेट थे और शत्रुघ्न सिन्हा पटना से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन वो लखनऊ के कैंडिडेट के खिलाफ मेरे खिलाफ प्रचार करने आए, तब भी मैंने ये सवाल उठाया था। मैंने कहा प्रियंका जी ये गलत हो रहा है, इससे मैसेज खराब होगा, इससे पार्टी का नुकसान होगा, और प्रियंका जी सहमत थी। आचार्य जी 24 में एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे 19 की तरह 14 की तरह? माने जी ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी मुझे कहेगी तो विचार किया जाएगा, पार्टी नहीं कहेगी तो कोई ऐसी लालसा नहीं। 19 में आप 2 लाख वोट पा गए राजनाथ सिंह के खिलाफ, तो इस बार तो आपको लड़ाना चाहिए बिल्कुल। नहीं, वो प्रियंका गांधी जी ने मुझे कहा होम मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव लड़ो, तो मैं लड़ गया। प्रियंका जी कहेंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी चुनाव लड़ जाऊंगा। तैयार है मोदी जी के खिलाफ लड़ने को? क्यों, मोदी जी भी इंसान है, मोदी जी इंसान है, मंगल ग्रह से थोड़ी आए हैं। मतलब आप वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ उतरने को तैयार है कांग्रेस पार्टी कहे तो? देखिए दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, वक्त सिकंदर होता है। जब मोदी जी का वक्त चल रहा है तो ठीक है, हमारा वक्त चलेगा तो फिर चलेगा। तो मानक जी सवाल ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 की हार जो है वो आपको आज भी कचोटती है? नहीं, कचोटती तो है, हार किसे नहीं कचोटती। क्यों क्यों दुख होता है उस हार का? नहीं, 2 लाख वोट मिले थे तो इससे क्या हुआ? 2 लाख वोट मिले या 5 लाख वोट मिले, हार तो हार है, और जीत 1 वोट से भी हो जीत है। क्या इस बात की तकलीफ है आपको कि आप ही के कांग्रेस पार्टी के ही एक और उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा आपके खिलाफ चुनाव प्रचार करने पहुंच गए? नहीं, इस बात की तकलीफ नहीं है, ये एक ब्लेंडर था कि पटना से लोकसभा के कैंडिडेट कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, लखनऊ से लोकसभा का कैंडिडेट कांग्रेस का मैं था, और पटना का लोकसभा का कैंडिडेट कांग्रेस का लोकसभा का कैंडिडेट लखनऊ के लोकसभा के कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार कर रहा है अपनी पत्नी के लिए। ये सब कोटरी की देन है। और आज शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ है? कल जो लोग कह रहे थे कि नहीं शत्रुघ्न सिन्हा ज्यादा अजीज हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम तो हार भी जाएंगे तो चलेगा, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी को जिता दो, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी भी नहीं है और शत्रुघ्न सिन्हा जी भी नहीं है पार्टी में, मैं हूँ। मतलब आप कांग्रेस में ही रहने वाले हैं क्या आचार्य जी? नहीं, ये फैसला तो कांग्रेस को करना, मुझे थोड़ी करना है। मैं अपनी पार्टी में जब तक हूँ, जब तक पार्टी के फायदे की बातें करूँगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उत्तर दक्षिण ध्रुव है, मैं बीजेपी में नहीं जाना चाहता। यदि कांग्रेस पार्टी का ये फैसला हो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तुम चले जाओ, तो ये फैसला कांग्रेस को करना, मुझे थोड़ी करना। आप कांग्रेस से कब जुड़े थे आचार्य जी? आपने बताया अभी काफी छात्र राजनीति से, कब की बात है? जब मैं 12वीं क्लास में था, राजीव जी से मिला था 1983 में। राजीव गांधी जी उस समय सांसद बन गए थे, अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव थे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी,
और मुझे उनसे मिलाया था राजेश पायलट जी ने। एक छात्र आंदोलन हम कर रहे थे यूपी में। हाँ यूपी में, वहां से हम जुड़े। तो आप... और जब से राजीव गांधी जी से हम जुड़े हैं तब से लेके आज तक वो राजीव गांधी की जो छवि है वो मेरे दिल में बसी हुई है। और मुझे कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़े तमगे नहीं दे दिए, माफ करना, और मुझे मुझे दरकार भी नहीं है, मुझे मुझे कोई ऐसी मेरी लालसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मुझे ये पद दे, कांग्रेस पार्टी मुझे ये पद दे। मैं पदों का भूखा नहीं हूं, माफ करना। ओके, परमात्मा की कृपा से है ना, और मैं अपनी पार्टी के साथ इसलिए हूं कि मुझे उस पार्टी की नीतियां अच्छी लगती हैं। ओके, इस पार्टी के अंदर बोलने की आजादी है, ठीक है। जो G23 बना था जिसमें गुलाम नबी आजाद, हुड्डा जी, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, राज बब्बर, पृथ्वीराज चौहान, वीरप्पा मोइली, ये सब लोगों ने चिट्ठी लिखी थी। वो तो नेतृत्व के खिलाफ चिट्ठी थी, ठीक है। वो तो सुनिए, नेतृत्व के खिलाफ चिट्ठी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसको एड्रेस किया। गुलाम ने भी पार्टी छोड़ गए, कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ गए, लेकिन बाकी सब तो हैं। तो अगर अगर हुड्डा जी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, राज बब्बर जी को कहने की आज़ादी है, शशि थरूर को कहने की आज़ादी है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह हक नहीं। अच्छा ठीक है।